इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि सालों पहले पृथ्वी पर कुछ एलियन जीवों ने हमला कर दिया, जिन्हें सार्ग के नाम से जाना गया। सार्ग अंतरिक्ष से आए खतरनाक और पावरफुल जीव थे। सार्ग जीवों और इंसानों के बीच में खतरनाक युद्ध हुआ, लेकिन इंसान उनके सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सकते थे, जिसकी वजह से पृथ्वी तबाह के कगार पर थी। लेकिन तभी अंतरिक्ष से एडवांस और जायंट रोबोट पृथ्वी पर आने लगे, जो इंसानों के प्रति फ्रेंडली थे। इंसानों ने इसके बाद जायंट रोबोट के साथ मिलकर सार्ग जीवों से युद्ध किया और उन्हें हराकर पृथ्वी को तबाह होने से बचा लिया। लेकिन इंसान जानते थे कि सार्ग एक बार फिर से पृथ्वी पर वापस जरूर आएंगे, इसीलिए वो कुछ बच्चों को ट्रेनिंग देकर जायंट रोबोट के साथ बॉन्ड बनाकर लड़ना सिखाते हैं, ताकि जब वापस से इंसानों का सार्ग से युद्ध हो तो वो रोबोट के साथ मिलकर सार्ग जीवों का सामना कर सके। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड नाम के एक लड़के को रेगिस्तान की पहाड़ी इलाके में बाइक चलाते हुए देखते हैं, और इस समय पृथ्वी पर साल चल रहा होता है सन 2075 का। स्टैनफोर्ड अपनी बाइक को खतरनाक रास्तों पर तेजी से चलाते हुए आगे बढ़ रहा था, और जब वो एक खाई को पार करने की कोशिश करता है तो ऐसा नहीं कर पाता और अपनी बाइक के साथ ही नीचे खाई में गिरने वाला होता है। लेकिन इससे पहले कि वो खाई में गिरता, वहां पर स्टैनफोर्ड की फ्रेंड ईवा आ जाती है, जो उसे और उसकी बाइक को नीचे खाई में गिरने से बचा लेती है। स्टैनफोर्ड इसके लिए ईवा को थैंक्स कहता, और फिर इसके बाद वो दोनों स्काई कॉप्स मिलिट्री बेस पर सबसे पहले पहुंचने का रेस लगाकर वहां से निकल पड़ते हैं। स्काई कॉप्स मिलिट्री बेस वो जगह थी जहां पर बच्चों को अंतरिक्ष से आए रोबोट्स के साथ बॉन्ड बनाने की ट्रेनिंग दी जाती थी, और साथ ही रोबोट्स के लिए एडवांस वेपन भी बनाए जाते थे। अगले सीन में हम स्काई कॉप्स मिलिट्री बेस के हेड जनरल एडेन पार्क को देखते हैं, जिन्हें एक ऑफिसर आकर बताता है कि स्पेस से दो मैक रोबोट्स आ रहे हैं। जनरल एडेन पार्क ये सुनकर पूरी तरह से हैरान थे, क्योंकि पिछले एक साल के बाद अब सिर्फ दो मेक रोबोट्स ही पृथ्वी पर आ रहे थे। एडेन पार्क इसके बाद स्काई कॉप्स मिलिट्री बेस के सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट करके मेक रोबोट्स को अंदर आने देने के लिए कहते हैं, साथ ही सारे ट्रेनीज को अलर्ट करने के लिए कहते हैं। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड और ईवा को देखते हैं, जो अब बेस पर वापस आ चुके थे। ईवा बेस पर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में काम करती थी, और स्टैनफोर्ड अपनी मॉम के साथ बेस पर पोछा लगाने और साफ सफाई का काम करता था। लेकिन उसका हमेशा से सपना था कि वो भी एक दिन मेक रोबोट का पायलट बने। स्टैनफोर्ड जब सफाई कर रहा होता है तो स्टैनफोर्ड की मॉम उसके पास आती है और उसे समझाती है कि उसके डैड के मरने के बाद वो चाहती है कि स्टैनफोर्ड उनके साथ रहे, इसीलिए वो उसे ईवा के साथ इंजीनियरिंग का काम करने के लिए कहती है। दरअसल स्टैनफोर्ड के डैड एक रोबोट पायलट थे जो सार्क के साथ युद्ध में मारे गए, इसीलिए स्टैनफोर्ड की मॉम नहीं चाहती कि स्टैनफोर्ड भी एक पायलट बने। इधर जनरल एडेन पार्क के कहने पर सारे ट्रेनीज एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, जहां पर जनरल सभी को समझाते हैं कि एक साल के बाद सिर्फ दो रोबोट ही पृथ्वी पर आ रहे हैं, जो उनमें से किन्हीं दो को अपने बॉन्डिंग के लिए चुनेंगे, और ये समय सारे ट्रेनीज को अपनी काबिलियत साबित करने का है, क्योंकि उनमें से कोई दो बनेंगे मेक कैडेट्स और 30 साल पहले युद्ध में मारे गए अपने सीनियर ऑफिसर्स के रास्ते पर चलते हुए पृथ्वी की हिफाजत करेंगे। जनरल एडेन पार्क की बात सुनकर सारे ट्रेनीज इस मुकाबले के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाते हैं। वहीं स्टैनफोर्ड छुपकर ये सारी बातें सुन रहा था, और जब जनरल अपनी बेटी ओलिविया के साथ कमरे से बाहर आते हैं तो स्टैनफोर्ड वापस से सफाई करने लगता है। जनरल की बेटी ओलिविया भी एक ट्रेनी थी, इसीलिए जनरल उसे अपनी बहादुरी साबित करके एक मेक कैडेट बनने के लिए बोलकर वहां से चले जाते हैं। ओलिविया स्टैनफोर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, इसीलिए वो उसे सिर्फ अपने काम से मतलब रखने और सफाई करने के लिए बोलकर वहां से गुस्से में चली जाती है। स्टैनफोर्ड इसके बाद भागते हुए जनरल एडेन पार्क के पास आता है और उनसे कहता है कि मुझे भी मेक कैडेट बनने का एक मौका मिलना चाहिए। लेकिन क्योंकि स्टैनफोर्ड मेक कैडेट बनने के लिए दिए जाने वाले स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हो गया था, इसीलिए जनरल उसे मेक कैडेट बनने का मौका देने से मना करके वहां से चले जाते हैं, जिससे स्टैनफोर्ड बहुत दुखी होता है। इसके बाद उसके पास उसकी बेस्ट फ्रेंड ईवा उससे मिलने आती है, जो उसे इंजीनियरिंग में टॉप करने के लिए बधाई देती है। लेकिन स्टैनफोर्ड बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि वो एक इंजीनियर नहीं बल्कि एक मेक कैडेट बनना चाहता था। स्टैनफोर्ड इसके बाद ईवा के साथ मिलकर अपने द्वारा बनाई गई एक डिवाइस की मदद से उस लैब का दरवाजा खोलकर चुपके से अंदर चला जाता है, जिसके अंदर मेक कैडेट बनने का ट्रेनिंग सूट रखा होता है। ईवा बाहर से नजर रख रही थी कि इस दौरान लैब में कोई आ ना जाए, और जब वो देखती है कि एक ऑफिसर लैब में जाने वाले हैं तो वो उससे झूठ बोल देती है कि सीनियर ऑफिसर उसे बुला रही है और उन्हें वहां से अपने साथ ले जाती है। कुछ समय के बाद स्टैनफोर्ड भी लैब से सूट पहनकर बाहर आ जाता है, और वो इस समय काफी ज्यादा खुश था, और इसके लिए वो ईवा को थैंक्स भी कहता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एकेडमी के सारे ट्रेनी अपना सूट पहनकर ग्राउंड में खड़े थे, जहां पर स्टैनफोर्ड भी चुपके से जाकर उनके बीच में शामिल हो गया था, और अगले ही पल दोनों मेक रोबोट भी वहां पर आ जाते हैं।
और वो बेस के सबसे ऊंची जगह पर जाकर सारे ट्रेनी पर नजर रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो सारे ट्रेनी में से दो सबसे बेहतर ट्रेनी को चुनने वाले जो थे। जनरल एडन पार्क के कहने पर सारे ट्रेनी अपना अपना पोजीशन लेते हैं, लेकिन क्योंकि ट्रेनिंग ना देने की वजह से स्टैनफोर्ड को इसके बारे में पता नहीं था, इसीलिए वो पकड़ा जाता है और चोरी करने के जुर्म में उसे वहां से बाहर भेज दिया जाता है। इसके बाद सारे ट्रेनी के बीच में एक कॉम्पिटिशन किया जाता है, जिसके दौरान वो आपस में लड़ते हैं और ड्रोन के हमलों से बचते हुए उन्हें अपनी मंजिल तक पहुंचना था। जनरल की बेटी ओलिविया अपने साथी फ्रैंक को धोखा देकर सबसे पहले मंजिल तक पहुंच जाती है, और वहीं माया और फ्रैंक नाम के ट्रेनी दूसरे और तीसरे नंबर पर थे, और उन दोनों रोबोट को उन तीनों में से ही किसी दो को चुनना था। ओलिविया को लग रहा था कि वो सबसे फर्स्ट आई है, इसलिए रोबोट उसे जरूर बॉन्ड बनाने के लिए चुनेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं, क्योंकि वो रोबोट फ्रैंक और माया को चुन लेते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि ओलिविया धोखे से फर्स्ट आई है। ओलिविया ये देखकर बहुत दुखी होती है। वहीं दूसरी तरफ स्टैनफोर्ड इन सबसे दुखी होकर अपनी बाइक के साथ राइडिंग के लिए निकल पड़ता है, लेकिन इस दौरान वो देखता है कि आसमान से एक और रोबोट तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वो रोबोट रास्ते में ही पहाड़ी इलाके में क्रैश लैंडिंग कर जाता है। ये देखकर वो जल्दी से उस रोबोट के पास जाता है, जहाँ पर वो रोबोट भी स्टैनफोर्ड को देखकर काफी खुश था, और अगले ही पल एक सार्ग रोबोट पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से स्टैनफोर्ड भी खतरे में पड़ गया था, लेकिन रोबोट स्टैनफोर्ड को बचा लेता और उसे एक सुरक्षित जगह पर रखकर सार्ग से लड़ने लगा था। उस सार्क को रोबोट पर हावी होता देखकर स्टैनफोर्ड अपनी बाइक को एक पहाड़ी से जंप कराकर सार्क के ऊपर हमला कर देता है, जिससे वो सार्क रोबोट को छोड़कर नीचे गिर जाता है, लेकिन उस दौरान स्टैनफोर्ड भी नीचे गिरने लगा था, जिसे रोबोट अपने हाथों में रोककर बचा लेता है, और इसके बाद वो रोबोट स्टैनफोर्ड को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए कहता है। स्टैनफोर्ड इसके लिए तुरंत ही राजी हो जाता और रोबोट के साथ बॉन्ड बनाकर बहुत खुश था, क्योंकि उसका सपना जो अब पूरा हो गया था। अब अचानक से वो सार्क जिंदा होकर वापस आ जाता है, जो अब काफी बड़ा हो गया था। स्टैनफोर्ड उस सार्क को देखकर डर जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो सार्क स्टैनफोर्ड और रोबोट को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर कैप्टन टनाका अपने रोबोट के साथ आ जाते हैं, जो उस सार्क पर हमला करके उसे मार गिराते हैं और स्टैनफोर्ड के साथ ही उसके रोबोट को भी बचा लेते हैं। अगले सीन में हम जनरल एडिन पार्क को देखते हैं, जो अपनी बेटी ओलिविया के पास जाकर उससे पूछते हैं कि अब तुम क्या करोगी, क्योंकि रोबोट ने ओलिविया को बॉन्ड बनाने के लिए नहीं चुना था। इस पर ओलिविया अपने डैड से कहती है कि कुछ भी हो जाए, वो एक मेक कैडेट पायलट जरूर बनकर रहेगी। उसकी बातें सुनकर उसके डैड उसके ऊपर गुस्सा होकर वहां से चले जाते हैं, क्योंकि जल्दी ओलिविया 16 साल की होने वाली थी और रोबोट 16 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को कभी भी बॉन्ड बनाने के लिए नहीं चुनते हैं। कैप्टन टनाका स्टैनफोर्ड को रोबोट के साथ देखकर समझ जाते हैं कि रोबोट ने स्टैनफोर्ड को बॉन्ड बनाने के लिए चुना है, इसलिए वो स्टैनफोर्ड को अपने रोबोट के साथ कैंप चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि अब स्टैनफोर्ड भी एक मैक कैडेट था। स्टैनफोर्ड ये सुनकर तो बहुत खुश होता है और अपने रोबोट के साथ बॉन्ड बनाकर कैप्टन टनाका के साथ उड़ते हुए कैंप की तरफ निकल पड़ता है। स्टैनफोर्ड ने अपने रोबोट का नाम बड़ी रखा था। अब क्योंकि स्टैनफोर्ड पहली बार किसी रोबोट के साथ बॉन्ड बनाकर उसे कंट्रोल कर रहा था, इसीलिए उसे काफी प्रॉब्लम हो रही थी। ओलिविया जब आसमान में कैप्टन टनाका के साथ एक नए रोबोट को उड़ते हुए देखती है, तो तेजी से हेडक्वार्टर की तरफ निकल पड़ती है। वहीं स्टैनफोर्ड जब कैप्टन टनाका के साथ बेस पर पहुंचता है, तो वहां पर माया और फ्रैंक स्टैनफोर्ड को देखकर पूरी तरह से हैरान थे और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि रोबोट ने स्टैनफोर्ड को अपने साथ बॉन्ड बनाने के लिए चुना है। कैप्टन टनाका इसके बाद माया और फ्रैंक से स्टैनफोर्ड और उसके रोबोट को अपने साथ बेसमेंट में ले जाने का बोलकर वहां से चले जाते हैं। स्टैनफोर्ड जब अपने रोबोट बडी और माया फ्रैंक के साथ बेसमेंट में नीचे आता है, तो वहां पर उसे ओलिविया मिलती है, जो नए रोबोट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आई थी। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रोबोट ने तो पहले ही स्टैनफोर्ड के साथ बॉन्ड बना लिया है, तो वो स्टैनफोर्ड पर बहुत गुस्सा होती है, लेकिन माया ओलिविया को अपने साथ वहां से ले जाती है। स्टैनफोर्ड इसके बाद बड़ी को बाकी रोबोट्स के साथ चार्ज और रीस्टोर होने के लिए छोड़कर फ्रैंक से बातें करने लगता है। वो फ्रैंक से कहता है कि शायद बड़ी ने मुझे इसीलिए चुना क्योंकि उसे किसी और को चुनने का मौका नहीं मिला, इसीलिए मेरी किस्मत काफी अच्छी है। इस पर फ्रैंक स्टैनफोर्ड को समझाता है कि बड़ी ने जरूर तुम्हारे अंदर कुछ देखकर ही तुम्हें चुना होगा। अगले सीन में हम कैप्टन टनाका को देखते हैं, जो जनरल एडिन पार्क के पास आकर उन्हें बताते हैं कि बड़ी के ऊपर एक सार्ग ने हमला किया था, जिसका मतलब है कि सार्ग पृथ्वी पर वापस लौट रहे हैं। कैप्टन टनाका की बात सुनकर जनरल सिक्योरिटी बढ़ाने का आदेश देता है। इस समय ओलिविया भी वहां पर मौजूद थी, जो अपने डैड से बड़ी के साथ बॉन्ड बनाने का एक मौका मांग रही थी, लेकिन जनरल उसे ऐसा करने से साफ साफ मना कर देते हैं और उसे वापस जाने की कहते हैं, क्योंकि बड़ी ने पहले ही स्टैनफोर्ड के साथ बॉन्ड बना लिया था। वहीं दूसरी तरफ स्टैनफोर्ड फ्रैंक से बात करने के बाद वहां से भागते हुए अपने मॉम के पास आ जाता है और उन्हें बताता है कि तीसरे रोबोट ने मुझे बॉन्ड बनाने के लिए चुना है। लेकिन उसकी मॉम इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होती, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि स्टैनफोर्ड एक रोबोट पायलट बने। वहीं दूसरी तरफ ओलिविया जब उदास होकर बैठी होती है, तो कैप्टन टनाका उसके पास आते हैं और उसे अपने साथ ट्रेनिंग की प्रैक्टिस करने के लिए बोलते हैं। ओलिविया इसके लिए राजी हो जाती है और कैप्टन टनाका के साथ फाइटिंग की प्रैक्टिस करती है।
ट्रेनिंग खत्म होने के बाद कैप्टन टनाका ओलिविया को समझाते हैं कि तुम एकेडमी की बेस्ट स्टूडेंट हो, इसीलिए जरूरी नहीं कि तुम पायलट ही बनो, क्योंकि इसके अलावा और भी बहुत से काम हैं जिसे तुम कर सकती हो। लेकिन ओलिविया भी स्टैनफोर्ड की तरह सिर्फ एक पायलट ही बनना चाहती थी। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड को देखते हैं जो माया और फ्रैंक के साथ समय बिताकर उनका अच्छा फ्रेंड बन गया था, और ईवा ये जानकर काफी खुश थी कि स्टैनफोर्ड अब एक पायलट बन गया है। कैप्टन टनाका इसके बाद स्टैनफोर्ड, फ्रैंक और माया को रोबोट को कंट्रोल करने की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं। ट्रेनिंग के दौरान स्टैनफोर्ड को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि फ्रैंक और माया ने पहले से ही एकेडमी में काफी ट्रेनिंग किया था। रोबोट को अच्छे से कंट्रोल करने की ट्रेनिंग के दौरान स्टैनफोर्ड को कुछ अजीब से एग्स जमीन पर पड़े मिलते हैं, जिन्हें देखकर कैप्टन टनाका उन्हें बताते हैं कि ये सार्क के अंडे हो सकते हैं। कैप्टन टनाका खुद उन अंडों पर ध्यान रखने का डिसाइड करके स्टैनफोर्ड, फ्रैंक और माया को अपनी ट्रेनिंग जारी रखने के लिए बोलते हैं। वहीं दूसरी तरफ जनरल एडेन पार्क को पता चलता है कि सिर्फ एक ही सार्क उनके सिक्योरिटी सिस्टम को तोड़कर अंदर आया था और मारा गया, लेकिन हमें पूरी तरह से अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि अब सार्ग वापस आ रहे हैं। जनरल एडेन पार्क इसके बाद ओलिविया को एक सीक्रेट बेसमेंट में ले जाते हैं, जहां पर वो ओलिविया को एक जाइंट रोबोट दिखाते हैं जिन्हें खुद उन्होंने बनाया था, ताकि ओलिविया उसका पायलट बनकर अपने सपने को पूरा कर सके। ओलिविया उस रोबोट को देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि फाइनली अब वो भी एक पायलट बनने वाली थी। यहाँ पर हमें ये भी पता चलता है कि जनरल रोबोट के अपने पायलट के चुनने से बिल्कुल भी खुश नहीं थे, क्योंकि रोबोट अपनी मर्जी से किसी को भी अपना पायलट चुन सकते थे। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड को देखते हैं, जिसे कैप्टन टनाका बताते हैं कि तुम्हें अभी अच्छे से ट्रेनिंग करने की जरूरत है क्योंकि तुम माया और फ्रैंक से अभी काफी पीछे हो। कैप्टन टनाका जब स्टैनफोर्ड को पूरी तरह से पायलट बनने के लिए एक डॉक्यूमेंट पर उसकी मॉम का साइन कराने के लिए बोलते हैं, तो स्टैनफोर्ड कैप्टन से कहता है कि मेरी मॉम इसके लिए कभी भी राजी नहीं होगी। लेकिन अगले ही पल वहां पर स्टैनफोर्ड की मॉम आ जाती है और खुद ही डॉक्यूमेंट पर साइन भी कर देती है, क्योंकि वो चाहती थी कि स्टैनफोर्ड अपने सपने को अब पूरा करे। ये देखकर वो बहुत खुश होता है। समय के साथ स्टैनफोर्ड, माया और फ्रैंक एक अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन एक दिन जब वो ओलिविया को पायलट के इलाके में देखते हैं तो वो उससे कहते हैं कि यहाँ सिर्फ एक पायलट ही आ सकता है, जिस पर ओलिविया उनसे कहती है कि अब मैं भी एक पायलट हूँ, जिसे सुनकर सभी पूरी तरह से हैरान थे क्योंकि ओलिविया को किसी रोबोट ने चुना नहीं था। और अगले सीन में हम सार्क के एग्स को देखते हैं जो लैब के साथ ही हेडक्वार्टर के बाहर रेगिस्तान में भी चारों तरफ फैले हुए थे और अचानक से वो चमकने भी लगे थे। दरअसल कैप्टन टनाका कुछ सार्क के एग्स को एक्सपेरिमेंट के लिए लैब में ले आए थे, और जब डॉक्टर उन अंडों के ऊपर रिसर्च करते हैं तो वो बताते हैं कि उन अंडों के अंदर जीवन के अवशेष हैं, और साथ ही वो अंडे पिछली बार आए सार्ग से मैच नहीं करते बल्कि मंगल ग्रह के वातावरण से मेल खाते हैं। जनरल एडेन पार्क ये सुनकर सारे एग्स को नष्ट करने का आदेश देते हैं क्योंकि वो समझ चुके थे कि वो एग सच में सार्ग के ही है। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड, फ्रैंक और माया को एक साथ देखते हैं जो अपने अपने रोबोट के साथ ट्रेनिंग के लिए जाने के लिए रेडी थे, लेकिन तभी वहां पर कर्नल मैक्स अपनी टीम के साथ आ जाती है जो स्टैनफोर्ड और उनके साथियों को बताती है कि रोबोट्स पृथ्वी पर वेपन के साथ नहीं आते, इसीलिए उनके लिए वेपन बनाने का काम हम करते हैं। इसके बाद कर्नल मैक्स के कहने पर फ्रैंक, माया और स्टैनफोर्ड के रोबोट्स को एक एक वेपन दिया जाता है ताकि वो सार्क के साथ फाइट में उसे इस्तेमाल कर सके। अपने रोबोट्स को वेपन मिलने से स्टैनफोर्ड और उसके दोस्त बहुत खुश थे। अब तभी वहां पर ओलिविया भी अपने जाइंट रोबोट के साथ आ जाती है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। और कुछ समय के बाद वहां पर कर्नल टनाका भी जनरल एडेन पार्क के साथ आते हैं। जनरल एडेन पार्क कर्नल टनाका से ओलिविया का ध्यान रखने के लिए बोलते हैं क्योंकि वो एक ऐसे रोबोट को उड़ाने वाली थी जिसे अब तक टेस्ट भी नहीं किया गया था। इसके बाद स्टैनफोर्ड और उसके दोस्त अपने अपने रोबोट के अंदर चले आते हैं और कर्नल टनाका का आदेश मिलते ही ट्रेनिंग के लिए आसमान में उड़ जाते हैं। वहीं चीफ मैक्स जब ईवा और अपने बाकी साथियों के साथ गैरेज में वापस आती है तो वो देखती है कि वहां पर कुछ दूसरे लोग भी आए हुए थे। मैक्स उनके हेड क्लार्क से पूछती है कि तुम मेरे गैरेज में क्या कर रहे हो। इस पर क्लार्क मिस मैक्स को बताता है कि जिस प्रकार वो एलियन रोबोट्स के पार्ट्स और वेपन बनाती है, ठीक उसी प्रकार वो हीरो फोर्स के रोबोट्स के पार्ट और वेपन बनाएंगे, और अब से वो भी अपनी टीम के साथ उसी गैरेज में काम करेंगे, और इसके लिए उन्हें जनरल एडेन पार्क ने खुद ही ऑर्डर दिया है। दरअसल ये हीरो फोर्स इंसानों द्वारा बनाए गए रोबोट्स होते हैं, और ओलिविया जिस रोबोट की कैप्टन थी वो रोबोट भी एक हीरो फोर्स का ही रोबोट था। अगले सीन में हम एक मार्स रोवर को देखते हैं जो मार्स पर रिसर्च कर रहा था, लेकिन तभी उसके ऊपर एक जाइंट सार्ग हमला कर देता है। जनरल एडेन पार्क जब रोवर द्वारा भेजी गई आखिरी वीडियो क्लिप को देखते हैं तो उन्हें समझ में आता है कि पृथ्वी पर मिलने वाले सार्ग एग्स और रोवर पर हमला करने वाले उस विशालकाय सार्ग के बीच में कोई तो कनेक्शन जरूर है, क्योंकि उन एग्स को देखकर साइंटिस्ट ने भी उन्हें बताया था कि वो एग्स मार्स के एटमोस्फेयर से मैच कर रहे हैं। जनरल एडेन पार्क ये देखकर सिक्योरिटी को अलर्ट करने का आदेश देते हैं। अगले सीन में हम स्टैनफोर्ड और उसके साथियों को देखते हैं जो कर्नल टनाका के साथ अपनी ट्रेनिंग कर रहे थे। कैप्टन टनाका उन सभी को अपने अपने रोबोट के साथ उड़ने की ट्रेनिंग देने के बाद उन्हें फाइटिंग की ट्रेनिंग देना शुरू करते हैं, जिसके दौरान उन्हें कुछ उड़ते हुए गैजेट्स को खत्म करना था,
फ्रैंक और माया तो बड़े ही आसानी से उन गैजेट्स को मार गिराते हैं, लेकिन जब स्टैनफोर्ड की बारी आती है तो उसे थोड़ा प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अपने रोबोट के मिले वेपन की मदद से वो उन सभी गैजेट्स को मार गिराता है। और वहीं ओलिविया की जब बारी आती है तो वो अपने रोबोट के एडवांस मिसाइल से उन्हें बड़े ही आसानी से मार गिराती है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ हम लैब के साइंटिस्ट को फोन से किसी से बात करते हुए देखते हैं, जहां पर कोई साइंटिस्ट उन सार्क को वेपन से लैस करने के लिए बोल रहा था। अगले सीन में हम ईवा को देखते हैं, जिसे अब हीरो फोर्स के बारे में पता चलता है। तो वो मिस मैक्स से पूछती है कि हीरो फोर्स की टीम तो काफी ज्यादा कूल है, क्योंकि वो खुद से ऐसे एडवांस रोबोट बनाते हैं जो सार्क का सामना कर सकते हैं। इस पर मैक्स ईवा को बताती है कि जब तक क्लार्क हीरो फोर्स की टीम में है, उनसे अच्छाई की उम्मीद नहीं की जा सकती, क्योंकि सार्क के साथ चल रहे युद्ध में जब वो अपने एक साथी के साथ एक शहर में सार्क से घिरी हुई थी, तब उन्होंने क्लार्क से मदद मांगी, लेकिन क्लार्क ने उस लोकेशन को खतरनाक बताकर मिस मैक्स को बैकअप देने से साफ मना कर दिया था, जिसकी वजह से मिस मैक्स के साथी ने उनकी जान बचाने के लिए सार्ग से लड़ते हुए अपनी जान दे दी, जिसका दुख उसे आज भी है। अगले सीन में हम कैप्टन टनाका को देखते हैं, जो स्टैनफोर्ड के साथ ही उसकी साथियों को ट्रेनिंग दे रहे थे, जिसमें उन्हें उड़ते हुए ड्रोन से एक फ्लैग को सबसे पहले हासिल करना था। फ्लैग को हासिल करने के लिए सभी एक दूसरे पर हमला करना शुरू कर देते हैं। कैप्टन टनाका और स्टैनफोर्ड माया को समझाते हैं कि उसे मिलकर एक टीम की तरह आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन माया अकेले ही इस कॉम्पिटिशन को जीतना चाहती थी, जिसकी जिद की वजह से वो उस कॉम्पिटिशन को जीत तो जाती है, लेकिन इस दौरान माया और उसके रोबोट का एक हाथ जख्मी हो जाता है, जिससे माया बहुत दुखी होती है, क्योंकि उसकी गलती की वजह से उसका रोबोट भी जख्मी हो गया था। वापस आने पर मिस मैक्स माया को बताती है कि रोबोट अपने पायलट के लिए जान भी दे सकते हैं, इसीलिए अपने रोबोट का ख्याल रखना उसके पायलट के हाथों में होता है। मिस मैक्स माया को ये भी बताती है कि अगर उसके रोबोट को और ज्यादा चोट आती तो शायद उसे बचाया भी नहीं जा सकता था। माया ये सब सुनकर बहुत दुखी होती है और उसे अपनी गलती का एहसास होता है। अगले सीन में हम ओलिविया को देखते हैं, जो अपने डैड के पास जाकर उनसे अपने रोबोट में थोड़ा बदलाव करने को कहती है, जिस पर जनरल ओलिविया को बताते हैं कि तुम सुपर फोर्स में जाकर ये सब बताओ, क्योंकि वो तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरा करेंगे। वहीं दूसरी तरफ स्टैनफोर्ड अपनी फ्रेंड ईवा के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करता है, जिससे उसे काफी अच्छा लगता है। अगली सीन में हम जनरल एडेन पार्क को कर्नल टनाका और बाकी के साइंटिस्ट के साथ देखते हैं, जहां पर उन्हें सैटेलाइट से भेजी गई तस्वीरों में सार्क का एक बड़ा सा प्लेन दिखाई देता है, जिसे देखकर सभी पूरी तरह से हैरान थे। वहीं दूसरी तरफ लैब में हम साइंटिस्ट को देखते हैं, जो सार्क के अंडों पर अब भी रिसर्च कर रहे थे, और अगले ही पल उस अंडे से एक सार्क बाहर निकलकर साइंटिस्ट पर हमला भी कर देता है। तो फिलहाल इस पार्ट को हम यहीं पर एंड करते हैं, और इसके बाकी के पार्ट्स भी हम बहुत जल्द लेकर आएंगे। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।